और दोस्तों कैसे हो? बताओ बताओ, तुम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पास भी शायद समय नहीं है ज्यादा। ठीक है, एक बंदे ने प्रॉब्लम भेजा मेरे को इंस्टाग्राम पे। अगर तुम लोगों का भी कोई प्रॉब्लम हो ऐसा, तो भाई इंस्टाग्राम में भेज सकते हो, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बारे में हम वीडियो ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बंदा कह रहा है कि 2 साल से ऑनलाइन रिलेशनशिप में था, लेकिन 1 महीने पहले उसके स्ट्रिक्ट पापा को पता चल गया। वाह, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसका सपना था डॉक्टर बनने का। मेरी वजह से वो सपना उसका पूरा नहीं हो पाया, और इसलिए मेरे को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। मेरे को बहुत बुरा लगता है उस चीज़ से कि भाई मेरी वजह से नहीं हो पाया। तो सोचता हूँ पूरा दिन कि वो क्या कर रही होगी, कैसी होगी, और कुल मिला के बहुत एंग्जाइटी, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ भाई, बहुत परेशान है बंदा। ठीक है, उसके 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है इसी रीजन से। तो प्लीज बताओ क्या किया जाए, क्योंकि उसके जैसी लड़की शायद नहीं मिलेगी, इनोसेंट, लॉयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो भाई, हमारे यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक एक करके एक एक प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा देखो वीडियो को, अगर सोल्यूशन सच में चाहते हो तो पूरा देखना होगा, अगर तुम देख रहे हो तो। और जिन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम लोग भी देख सकते हो। किसी नई चीज के बारे में जानना चाहते हो या सोचना चाहते हो, कोई कुछ नया पर्सपेक्टिव चाहते हो किसी चीज के बारे में, प्लीज देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज तुम्हें देखना चाहिए भाई, शायद ये देखकर या जानकर तुम्हारा भी हेल्प हो भाई, शायद तुम ये गलती आगे चल के जिंदगी में ना करो, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसके लिए देखना होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक एक करके चलो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जहां पे तुम ये कह रहे हो कि भाई वो मेरी गलती है कि उसका डॉक्टर बनने का सपना तहस नहस हो गया या वो डॉक्टर नहीं बन पाई। क्यों भाई, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इधर। अपने पर्सपेक्टिव से देखो, शायद हो सकता है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से एक बार देखने की कोशिश करो, उसके जिंदगी की तरफ से। भाई उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उसकी जिंदगी में? क्या ये उसका चॉइस नहीं है कि अपनी जिंदगी के साथ मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजंस मेरे को लेना चाहिए, कैसे मेरे को चलना चाहिए जिंदगी में? भाई वो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे हो गया भाई ये अचानक से? उसकी जिंदगी में उसको डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम शायद कुछ भी कहो उसको, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका कंट्रोल उसकी जिंदगी में उसका ही हाथ में है ना, तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना उसकी जिंदगी का कंट्रोल। तो अपने आप को क्यों कह रहे हो भाई? उसकी जिंदगी में उसका खुद का चॉइस होना चाहिए। उसने नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी में टाइम वेस्ट किया, उसने जिंदगी, देखो भाई जितना इस चीज में तुम इन्वॉल्व थे उतना वो भी थी भाई, ठीक है, तुम्हारा कसूर नहीं है यहाँ पे। हाँ, अपने तरफ से सोच सकते हो तो भाई हो सकता है, तुम अपने तरफ से सोच सकते हो मैं किसी के साथ मेरे को ये नहीं करना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, कभी कभी माँ बाप कहते हैं ना, मेरे बेटे को इसने नशा करवा दिया भाई, इसने इसी वजह से भाई इसने सिगरेट पकड़ा, इसने दारू पकड़ा, इसने बीड़ी पकड़ी, इसकी वजह से भाई, इसके दोस्तों की वजह से। लेकिन मैं कहूंगा नहीं भाई, दोस्तों का यहाँ पे कोई कसूर नहीं है भाई, टोटली आपके बेटे का कसूर है भाई, या आपके बेटी का कसूर है यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि भाई मेरे को तो कोई पिला नहीं सकता भाई, कितना भी ऑफर करे, कितना भी जोर जबरदस्ती करे, फोर्स करे, मैं नहीं पी सकता। अगर पीने का इच्छा है किसी के अंदर, कोई पीना चाहता है अंदर से, मर रहा है पीने के लिए, वही पिएगा भाई, वही सिगरेट पिएगा, वही दारू पिएगा भाई। अदरवाइज किसी को करवा सकते हो, जो नशा नहीं करता है उसको तुम नशा करवा सकते हो भाई ऐसे ही, क्योंकि भाई उसके जिंदगी में उसका चॉइस है, वो चॉइस ले रहा है एक्टिवली कि भाई कॉन्शियसली मैं चॉइस लूंगा, मैं अपनी जिंदगी में नशा नहीं करूंगा। तो उसके जिंदगी का चॉइस है ना वो, मेरी जिंदगी मैं शायद किसी को फोर्स करूं या ना करूं, अल्टीमेटली तो उसका चॉइस हो रहा है ना कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो भाई उसका भी इन्वॉल्वमेंट है भाई, उसका भी दोष है इतना ही जितना तुम्हारा भाई, उससे भी ज्यादा भाई। तो यहाँ पे अपने आप को दोष देना बंद करो, इस गिल्ट से बाहर निकलो भाई कि तुमने किसी का जिंदगी तबाह किया भाई, नहीं, उन्होंने खुद अपना जिंदगी तबाह किया भाई उनके चॉइस से। अगले पॉइंट में हम जाते हैं, यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि भाई वो इंसान, उस इंसान के जैसा मेरे को और कोई इंसान नहीं मिलने वाला, पूरी दुनिया में सिर्फ वो और मैं ही था भाई, और कोई इंसान बचा नहीं है भाई। हट, कैसे हो सकता है ये? इस पूरी दुनिया में 8 बिलियन पीपल है, मतलब 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर तुम्हें क्यों लगता है कि भाई उससे बेहतर कोई इंसान नहीं मिल सकता है या उसके जैसा कोई इंसान नहीं मिल सकता? देखो उसके जैसा शायद नहीं मिल सकता ऑलवेज, लेकिन उससे बेहतर भी मिल सकता है तुम्हें, जो कि तुम्हें कहो कि भाई वो ये छोड़ के चली गई भाई, ये तो और भी बेहतर है भाई, अब उसको छोड़ दो, उससे ज्यादा और भी बेहतर हो सकता है भाई। बाप का, हर बाप का एक बाप होता है, ये रियलिटी है भाई। इस रियलिटी को जितना जल्दी समझ पाओगे उतना बेहतर है। बहुत लोगों को मैंने देखा है भाई इस गलत रियलिटी में जीते हैं, उसके ऐसा इंसान और कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाला भाई, वही एकमात्र इंसान था भाई। हाँ, तुमने दुनिया का तो उसको ही देखा भाई, पूरी दुनिया का तो तुमने देखा ही नहीं कि कितने लोग हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितना डाइवर्सिटी है सिर्फ इस कंट्री में भाई, बाहर का तो छोड़ ही दो भाई।
तुम्हें क्यों लगता है भाई उसके जैसा इंसान नहीं मिलेगा? उससे बेहतर इंसान मिल जाएगा भाई। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद थोड़ा ढूंढना होगा। लेकिन ऐसा मत कहो कि इस दुनिया में सिर्फ वही इनोसेंट थी, वही लॉयल थी, वही सब कुछ थी भाई। क्यों, दुनिया में तुमने और नहीं देखा इनोसेंट लॉयल लड़की? नहीं है भाई, बहुत है भाई। तो काहे के लिए कह रहा है उसके जैसा नहीं मिलेगा? ये गलत रियलिटी में जीना बंद कर दो भाई। बेहतर का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर लगे भाई। मैं यूनिवर्सली या ऑब्जेक्टिवली बेहतर नहीं कह रहा हूँ। शायद तुम्हारे लिए बेहतर लग सकता है, किसी और इंसान के लिए और भी बेहतर लग सकता है या खराब भी लग सकता है। तुम्हारे लिए बेहतर इंसान जो तुम्हें लगेगा वो भरे हैं इस दुनिया में भाई, भरे हैं जो तुम्हें उससे भी बेहतर लगेंगे। अब ये दोनों पॉइंट समझने के बाद शायद तुम्हें ये देखना होगा कि तुम अपनी जिंदगी में कहाँ हो भाई। तुम्हारी जिंदगी का सिचुएशन क्या है? तुम कहाँ क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में? तुम्हारा समय क्या है जिंदगी का? तुमने कहा भाई तुम्हारे 12th के एग्जाम्स अभी आ रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है भाई। तो भाई उस हिसाब से तुम शायद 16, 17 या 18 साल के बीच में ही होगे भाई। ये सुनो तो भाई, उस हिसाब से क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि भाई शायद ये थोड़ा सा अर्ली हो गया मेरी जिंदगी में रिलेशनशिप में जाना, या थोड़ा सा गलत हो गया मेरे लिए, ये गलत डिसीजन मैंने ले लिया? क्योंकि भाई जहां पे मेरी जिंदगी के इतने लगे हुए हैं, जहां पे मेरी जिंदगी में सामने एग्जाम्स हैं इतना इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी, जो कि मेरी जिंदगी को शायद कुछ हद तक तो डिसाइड कर ही सकता है, या कुछ हद तक मैं इससे इस एग्जाम से शायद मैं जिंदगी में और भी आगे पहुंच सकता हूं, शायद उसके बारे में मेरे को पहले नहीं सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलेशनशिप में जाना भाई, जहां पे तुम्हारी जिंदगी में इतने तुम्हारे सर के ऊपर इतने बोझ हैं, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम काहे के लिए इस चीज के पीछे भाग रहे हो? शायद तुम्हारा एज कम नहीं हो गया इस चीज के लिए भाई। मेरे को शायद अभी डेटिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले अपनी जिंदगी को सुधार लेना चाहिए। पहले एग्जाम्स है भाई, उसको तो फोड़ लूं पहले। मेरी जिंदगी में मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं हूं। आई एम श्योर तुम पैसा भी नहीं कमा रहे हो अभी तक। तो पैसा नहीं कमा रहे हो तो तुम कहां से एक रिलेशनशिप को अफोर्ड कर पाओगे, या कहां से उस चीज को सस्टेन भी कर पाओगे? ये सोच के देखा है एक बार भी? तो जहां पे ये सब चीजें तुम्हारे अंदर नहीं होंगे ना, मैं तुम्हें गारंटी देके कह सकता हूं ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में आना कॉमन है भाई, या ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे रिलेशनशिप में आना मस्ट है भाई। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में आएंगे भाई। अल्टीमेटली क्या होगा, जिससे रिलेशनशिप चलेगा भी नहीं, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तुम अपने समय एनर्जी सब कुछ बर्बाद कर चुके होगे, लेकिन कोई उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स होंगे उसके बाद भाई। तुमने कहा ना वो बाप बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, नहीं भाई बाप स्ट्रिक्ट नहीं है। एक्चुअली बाप को भी समझना होगा यहाँ पे। बाप को अपनी बेटी की चिंता है सबसे ज्यादा। बाप को ये इंश्योर करना है कि भाई मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, ये मेरी बेटी की जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी हो आगे चल के, मेरी बेटी की जिंदगी स्टेबल हो भाई। ये उसका सबसे बड़ा कंसर्न है भाई एक बाप का अपनी बेटी की तरफ। तुम ये कह रहे हो, ये कहना बहुत आसान है स्ट्रिक्ट बाप है भाई, ये वो है वो है भाई। भाई बाप क्यों अलाउ करेगा भाई तुम्हारे साथ जाने को उसकी बेटी को? तुम तो कुछ नहीं करते, तुम छोटे हो अभी, तुम्हारे रिलेशनशिप का अभी एज भी नहीं हुआ भाई। तो उसका बाप स्ट्रिक्ट नहीं है भाई, उसका बाप कंसर्न है अबाउट हिज डॉटर। तुम्हें ये समझना होगा, उसकी बाप को चिंता है भाई। तुम्हें भी अपनी चिंता करना चाहिए, तुम्हारे बाप को भी आई एम श्योर तुम्हारी चिंता है भाई, तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी चिंता है ना। तो चिंता क्यों है भाई? स्टेबिलिटी वजह से। स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर उसको नहीं दिखी, उसके बाप को। ये सब चीजों को देखने के बाद अल्टीमेटली तुम्हें अपनी जिंदगी के सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा भाई। जहां पे तुम हो ना, जहां पे तुम्हारी जिंदगी के इतने सारे मेजर प्रॉब्लम्स है तुम्हारे सामने, पहले भाई उनको सॉल्व करना चाहिए ना। इस चीज से भाई निकल जाओ, अभी डेटिंग का तुम्हारा वक्त नहीं हुआ भाई। थोड़ा सा वेट कर जाओ कुछ साल, उसके बाद शायद चले जाना। पहले अपने प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करो अपनी जिंदगी में। इतने मेजर प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी जिंदगी में, इनको क्यों नहीं सॉल्व करते पहले? इनको सॉल्व नहीं करोगे तो कोई भी बाप अपना बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देगा भाई, क्योंकि भाई तुम्हारे अंदर उसको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। तुम्हें क्या लगता है, एक स्टेबल इंसान बन के अगर तुम जाते तो भाई कितने बाप मना करेंगे, है ना? अपने करंट सिनेरियो या सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, अपनी जिंदगी में जो भी चल रहा है भाई उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो, या एक्शन लेना शुरू कर दो अपनी जिंदगी में, उसके हिसाब से चलो। अगर 12th के एग्जाम से पहले उसके बारे में पढ़ो भाई, पहले उसको क्लियर करना है ना, नहीं तो भाई कभी भी ओवर थिंकिंग भी नहीं खत्म होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। पढ़ाई करोगे तो भाई ओवर थिंकिंग खत्म होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता होगा शायद मैं तो पढ़ाई तो कर रहा हूँ, कुछ तो होगा ना, फेल तो नहीं कर जाऊंगा ना। पहले ये तो कर लो, इसका अपने सिचुएशन को समझो भाई। अभी छोटे हो बहुत, इतना बड़ा नहीं हो गए हो कि भाई सब कुछ तुम एक सेकंड में इतना सब कुछ कर लोगे भाई। ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे फिर से अगर जिंदगी में पहले ध्यान नहीं दोगे ना, ये सब प्रॉब्लम्स आना भाई ऐसे ही नेचुरल है भाई। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को देख के थोड़ा सा भी हेल्प मिला, अगर अंदर से एक चुल मचा कि भाई हाँ शायद इसको अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया भाई, सोचने का नजर मैं थोड़ा सा बदलूंगा अब, तो भाई बधाई हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ
तुम लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा भाई। लेकिन तुम लोगों से मैं इतना ही चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज करके जाओ। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो भाई भेजो, इंस्टाग्राम पे भेजो, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, अपना अपना टॉपिक्स डाल दो और वेट करो अगले वीडियो के लिए, ठीक है? शायद तुम्हारे टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बन जाए भाई, कौन बता सकता है भाई, नेक्स्ट मोमेंट में जिंदगी में कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है आगे चल के, ठीक है? चलो मिलते हैं तुम लोग साथ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।